हेलो फ्रेंड्स, देखो इस वीडियो में बात करेंगे थीम्स के बारे में कि थीम कैसे ऐड करते हैं और थीम को कैसे सेटिंग करते हैं। ठीक है, तो थीम ऐड करने के लिए आपको हमने बताया था कि अपीयरेंस में जाते हैं, सबसे टॉप पे यहाँ पे जो होता है इसको बोलते हैं थीम्स, यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट जो आपकी अभी थीम है वो ये थीम आपकी सिलेक्टेड है ऑलरेडी, जो आप जब भी कोई वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो ये थीम आपको लगी लगाई मिलती है। एक बार चेक करते हैं, ये थीम आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ से मिली है। ठीक है, अगर आपको और कोई थीम लगानी है तो जैसे ये थीम आप ऑलरेडी अवेलेबल है तो इस पर क्लिक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, तो ये थीम आपकी देखिए यहाँ पे, रिफ्रेश करते हैं एक बार, ये आपकी थीम यहाँ पे चेंज हो गई। ठीक है, इसी तरह हजारों थीम्स अवेलेबल हैं वर्डप्रेस के ऊपर जो आप लगा सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आपको कोई थीम आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है जो आपने बाहर से परचेज की हुई है तो आप उसको अपलोड भी कर सकते हैं अपलोड के थ्रू। अगर आपको कोई थीम इसके अंदर से ही चाहिए तो आप यहीं से कोई थीम को सर्च करके क्लिक करते हैं सर्च बार पर, जैसे कि एक थीम है एक्स्ट्रा, इसके बारे में आपको बाद में बताएंगे। तो अभी हम आपको डेमो थीम दिखा रहे हैं सिडनी। ठीक है, हजारों थीम्स है, एचटी है, सिडनी है, बहुत सारी थीम्स अवेलेबल है। तो अभी आपको डेमो दिखाने वाले हैं, सिडनी दिखाने वाले हैं। सिडनी एक थीम है, इसको सर्च करा, देखिए यहाँ पे थीम आ गई, इसको करते हैं इंस्टॉल और एक्टिवेट। ठीक है, देखो यहाँ जाते हैं हम, इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं, ये हमारी यहाँ पे देखो अभी थीम चेंज हो गई है। बट अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, ना तो कोई मेन्यू बना हुआ, ना कोई पेज बना हुआ और ना ही कोई इस पर काम हुआ। तो सबसे पहले जो आपको पेज दिखा रहा है ये पोस्ट का पेज शो कर रहे हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो पेज आ रहा है पोस्ट का पेज आ रहा है। तो अब हम इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले हमें थीम डाल ली। थीम डालने के बाद देखो सबसे पहला काम वैसे तो होता है इसको कस्टमाइज करने का, कि थीम को कस्टमाइज कैसे करना है। बट कस्टमाइज करने से पहले हमें क्या करना होगा, पहले कुछ पेज बनाने पड़ेंगे जैसे कि हम चेक कर सकें जो हम काम थीम पे कर रहे हैं वो कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंपल स्टेप था कि अगर आपको कोई थीम ऐड करनी है तो आप थीम्स में जाके नई थीम ऐड कर सकते हैं। और सेकंड पॉइंट क्या होता है कि जो आपकी पुरानी थीम्स यहाँ पे अवेलेबल्स हैं इनको आपको डिलीट करना होगा। ठीक है ना, सिक्योरिटी वाले पार्ट में आता है, क्योंकि जितने भी आपकी वेबसाइट के अंदर एक्स्ट्रा थीम्स होती हैं, एक्स्ट्रा प्लगइन्स होते हैं जो इनएक्टिवेट है, जिनके ऊपर आप काम नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको अपने डैशबोर्ड से हटा दें, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर है सिक्योरिटी पर्पज से। ठीक है, थीम कैसे हटाते हैं आपको दिखा देता हूँ। थीम पे गए, सिंपल यहाँ पे पार्ट आ रहा है डिलीट का, क्लिक करते हैं और ये आपकी डिलीट होगी। ओके, सेकेंड ये थीम है, इसको डिलीट करते हैं, क्लिक करते हैं डिलीट और ये ओके। ये थीम है हमें यूज नहीं करनी, क्लिक करते हैं डिलीट करते हैं और ये ओके। ठीक है, इस तरह से जो भी थीम्स आप यूज नहीं कर रहे हैं आप उनको डिलीट कर दें, ज्यादा बेस्ट है। ये आपकी थीम सारी डिलीट होगी, एक थीम रहेगी सिडनी। अब जिस पर हम आगे जाके काम करने वाले हैं, अगले पैटर्न में हम काम करेंगे पेज के ऊपर और मेन्यू के ऊपर, क्योंकि जब तक हम पेज और मेन्यू नहीं बनाएंगे सेटिंग मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता नहीं पाऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।